हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिरीन एंड वेलकम टू माय चैनल शिरीन उम्मे फाजिल। आज की हमारी वीडियो में हम देखने वाले हैं प्लूरल नाउंस। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको कि अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना होता है तो हम उसके लास्ट में एस लगाते हैं, लाइक गर्ल्स से गर्ल्स, एप्पल से एप्पल बनता है। लेकिन उसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर कोई भी नाउन जो कि एंड हो रहा है सी एच, च, श, एक्स से या ओ से या जेड से, तो हम उसके एंड में ई एस लगाते हैं, लाइक बेंच। यहाँ सी एच से एंड हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा ई एस, तो बेंचेस। डिश, यहाँ पे एस एच से एच एंड हो रहा है तो यहाँ पे ई एस हो जाएगा। जेड से एंड हो रहा है तो यहाँ पर ई एस लगेगा। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ ई एस आता है, और यहाँ पर एस है तो यहाँ पर हम ई एस यूज़ करेंगे। तो अगर एक कोई नाउन अगर इन सारे वर्ड से एंड हो रहा है तो हम ई एस। नेक्स्ट रूल है कि अगर इफ नाउन एंड्स विद एफ और एफ ई, वी एंड वी ई एस एट द एंड, लाइक नाइफ। इसमें लास्ट में एफ ई आया है तो जब भी हम उसका सिंगुलर बनाएंगे, सॉरी प्लूरल बनाएंगे, तो वो हो जाएगा नाइव्स, वी ई एस लग जाएगा। यहाँ पे एफ है तो उसकी जगह पर भी वी ई एस होगा। If a noun ends with a consonant before a y, मतलब इस y से पहले अगर एक consonant है तो उसके end में जब हम plural बनाएंगे तो वहाँ पर i e s add होता है। तो ये candies से convert हो जाएगा candies, and puppy convert हो जाएगा puppies में। Similarly, अगर कोई noun ends with a vowel before a y, मतलब y से पहले कोई vowel है, तो simply हम s add करते हैं, like toys से हो जाता है toys and monkey का हो जाएगा monkeys। उसी तरीके से हम देखेंगे कि अगर nouns end with a consonant before an o, अगर o last में है और उससे पहले consonant है, like potato और tomato, तो उसके last में हम es add करते हैं। तो potato से हो जाएगा potatoes and tomato से हो जाएगा tomatoes। These are the simple rules जो कि एक plural noun के लिए होते हैं, और आप इसको यहीं से screenshot ले सकते हैं और अपने babies को पढ़ा सकते हैं। Irregular plural nouns और एक्सेप्ट सम एक्सेप्शनल केसेस, लाइक हम अगर कुछ वर्ड्स देखें तो उनमें हम ई एस, बी ई एस, आई एस ऐसे नहीं लगा सकते। लाइक चाइल्ड का जो प्लूरल है वो होगा चिल्ड्रन, वुमेन का होगा वुमेन, यहाँ पे ए आता है, यहाँ पर ई आई ई कंप्राइज होगा, यहाँ पर मैन है। जब हम सिंगुलर की बात करेंगे, अब प्लूरल की बात करेंगे, जब बहुत सारे होंगे तो वहाँ पे एम ई एन यूज़ होता है। माउस का हो जाएगा माइस, फूड का हो जाएगा फिट, टूथ से हो जाता है टीथ, पर्सन से हो जाता है पीपल, कैक्टस का कैक्टी, गूस का गीज, ऑक्स का ऑक्सन। तो दीज आर द एक्सेप्शनल केसेस जो आपको बच्चों को इसी तरीके से याद करवाना होगा कि दीज आर द प्लूरल नाउंस, इरेगुलर प्लूरल नाउंस। हाय फाजिल, हाय, हाउ आर यू? Let me ask you some plural nouns. Yes. Okay, tell me the plural noun of child. Children. Mouse. Mice. Tooth. Teeth. Foot. Feet. Cactus. Cacti. Goose. Geese. Ox. Oxen. Person. Person. People. Very good, Fazil. Be happy, healthy and safe. Enjoy videos with Umme Fazil.